तुम यहाँ के कौन हो? हमारा नाम, हम यहाँ के चौकीदार, हमारा नाम हरकू पासी, खाते हैं बासी लगाते हैं फांसी। ताले फांसी की बात करते हो जी? तुम यहाँ के चौकीदार हो? जी हाँ। तुम्हारी लाठी वाठी कहाँ है? लाठी लौंडे उठा लेंगे, मारपीट हो गया है। अरे रे, हाँ चौकीदार तुम्हारी लाठी को गई जी? और साफा क्या हुआ? साफा धोबी किया था, धोवा वक्त यहाँ गंदा हो गया है। ठीक है ठीक है, यहाँ का हवलदार कौन है? यहाँ का हवलदार सर जुग्गीलाल हटेला। और ड्यूटी कितने समय आता है? वो कभी 1 बजे कभी 2 बजे आ जाता है सर, समय से नहीं आता, हमेशा लेट के आवत। ठीक है, उससे आने तो मैं उससे बात करता हूँ। ठीक है सर। थना थन की बोलिया हमसे ना बोलो, थना थन की खाली हो गई, इस तरीके से कोई नेकर बनता है? इसका उतार के ठीक तो पहनो कि अदनी तेज उठा पटक दे कीमा का हुक टूट गया। हुक टूट गया जी? तुम्हें अगले महीने में नए नए कर दी गई थी जी, वो तुमने क्या किया है? ऊपर धरे जाए पहले पहले नातेदारी जाए रिश्तेदारी जाए थे। क्यों? तीमा हुआ आदर सम्मान हुआ स्वागत हुआ कि नए नए कर पहन के आए हैं। ओ मेहमानी में जाते हो तो नए नए कर पहन कर जाते हो जी, ताकि वहाँ आदर सम्मान हो जी, स्वागत हो जी, और थाने में तो बड़ी पुरानी पहन कर आते हो। हाँ तो यहाँ रोज चल जाते ड्यूटी ड्यूटी होती है जी, पर ये बात तुम्हारे भेजे में कभी आएगी नहीं जी। साला बेवकूफ कहीं का जी, ये तुमने किस तरीके से नेकर पहनी है? तुम्हारी नेकर में ना ही चैन है, ना ही हुक, ना ही बटन वगैरह है। वो सामने साले सब खुला खुला दिखे दिखाई दिया करता है। तुम्हारे नेत खुद ही नहीं दुरुस्त है, 24 घंटा तुम्हारी निगाह यही के ऊपर रहा था। थाने में आने के लिए समय क्या होता है? सुबह के 1 बजे। सुबह के 1 बजे जी, या कि दोपहर में 1 बजे? हाँ साहब, चाहे नाक पर चाहे नकुना बात है, दिन भरे में कह दें तो 1 बजे है, और फिर जो काम हो तो 1 बजे के बाद हुआ था। अच्छा, अब कहूँ डकैती पर जाए 1 बजे के बाद, भैंसी खोल जाए 1 बजे के बाद, सेंध कट जाए 1 बजे के बाद, रिपोर्ट लिखावा जाओ 1 बजे के बाद, मेहरुआ भाग जाए 1 बजे के बाद। और तो भागने के लिए कोई समय होता क्या? और कहा खड़ी दोपहरी में तो लोटियम पानी लेके बगिया बगिया भागत है। औरतों के बारे में काफी जानकारी है तुम्हें? जानकारी का त्यारा हम खुद भगा।
ये बात तुम्हारा हमारे सामने नहीं कहना जी, तो साले उठा के अंदर कर दूंगा। तो अंदर करे तो निकाले, कोशिश कह रहे उन्हें अंदर सड़ जाइए। क्या बे? हम साहेब हम तो साला अपनी बात कर रहा है जी। क्या हुआ? देखे क्या बात है? बात का तनख्वाह नहीं देवा बाबा, और कौन बात है? तुम्हारी तनख्वाह बाकी है और का? इतने महीने 6 महीना हो गई, एक रुपया नहीं मिला है। ओ माय गॉड, माय गॉड का तुम सब जने अपन अपन खर्चा चला रहे हो, कब इनके बारे में सोचे हो? चिंता मत कर, आने वाली 30 तारीख को मैं तेरा वेतन दिला दूंगा। या 30 तारीख हम 6 महीना ले दौरी, देखो तारीख तुम्हारे का पूर हुए तो तुम कब हमका दियो? क्या बे? तनख्वाह हमारे, तनख्वाह हमका दियो। हमारे घर में लंबा परिवार, लंबा खर्चा है। हमारे घर से रोज फोन के ऊपर फोन आवर, रोज हमका जवाब दिए परत है। अच्छा? अब ही परसों हमारे मेहर हुआ फोन की, कहीं मेरे प्राण पतदेव स्वामी जी आप 5 साल हो गए मेरा गौना लेकर आए हो, आप उसी दिन से ड्यूटी पर चले गए, लौट के घर का नहीं आए हो, मैं यहाँ पर 5 बच्चे की माँ बन चुकी, 6ठा बच्चा होने वाला, कृपया करके कुछ पैसा वगैरह भिजवाने का कष्ट करें। कैसी बातें कर रहा है तू? 5 साल पहले तो अपनी बीबी गौना लेकर के आया था जी, उस दिन ड्यूटी पर चला आया जी, वापस घर तो गया नहीं। अब वही कहाँ गया? तब तो तेरी मुलाकात तेरी बीबी से हुई नहीं होगी। तुम कहा मुलाकात करिए भाई, हम शकल नहीं देखा, कौन तिर गए हैं? यानी कि तूने उसका चेहरा भी नहीं देखा है? नहीं देखा। ये बता है? जब 5 साल में तेरी मुलाकात तेरी बीबी से कभी हुई नहीं? हाँ नहीं हुई। यहाँ तक कि तूने उसका चेहरा भी नहीं देखा है? नहीं देखा। तो फिर 5-6 बच्चे की माँ कैसे बन गई? वो कैसे बन गई? तो हम नहीं गए तो कहा हमारी चिट्ठी पत्री तो जात है। चिट्ठी पत्र से बच्चे होते? मान लो चिट्ठी पत्री से नहीं हुआ तो कुछ गांव राम मेहरबानी, कुछ ऊपर वाले मेहरबानी, और इमा फर्क है कौन? हम तो सोचित हाथी घूमे गांव गांव जी के हाथी उके नाम। तुम साले नाम के लिए मरते हो? नाम की तैया मोछ रखा है घूमी तय। अच्छा, और का वहां सोची राज आप तनखेवा दवा दिए? तुम तो जाना दो दो लौंडा सयान है और दो दो पतवाहा जवानी है, वो दोनों लौंडे साले उठाई गई ठहर के साहेब। अच्छा? हाँ दोनों पतोहवा हमारे माथे तो है। यानी दोनों का खर्चा पानी तुम्हें चलाते हो? तो क्या करी साहेब, दोनों को हम ही चलाते हैं। क्या बे? खर्चा खर्चा साहेब खर्चा। हाँ तो कल संजक छोटकई पर तो ही फोन की के पप्पा यू बताऊ तुम बड़कई दीदी के ले रहा हूँ, हमका कब लिया हो? क्या थी? उनके नैहर में बरहा रहा है कपड़ा लत्ता ले दिन पाल बनवा दिन और कौन चीज। तो क्यों नहीं कहते हो? कहन भाई फिर उनका वही फोन पर समझावा, हम कहा देखो मुनिया हो परेशान न करो, अब किला जैसे महीना आई तुम्हारा नंबर है। साला कहता वही बात है पर घुमा फिरा के बताता है। अरे तुझे कहना था कि छोटी वाली बहू तू चिंता मत कर, जिस तरीके से बड़ी वाली बहू को खरीद के दे दिया है ना, अगले महीने में तनख्वाह मिलेगी तो तुमको भी खरीद के दे दूंगा। और का 6 महीना हो गए तनख्वाह नहीं दिया, मोबाइल में ठन्ने पैसा टैरिफ रही नहीं, बात अतरी लंबी करे तो हम सोचे हम जौले पूरी बात बतावन पर पैसा बीच में खत्म हो जाए, पूरी बातों न हुई तो दिमाग लगावा हम का लो समूली बात बटोर के इकट्ठे ठोंक दे। हम कहें मुनिया परेशान न करो, कि जैसे महीना ही तुम्हारा नंबर है। बात का पूरी बात हो गई, 25 पैसों बच गए। 25 पैसे बच गए? तुम्हें बात करने का ढंग और तरीका नहीं मालूम है? तो फिर कहे ना हम तनखा दे बहु न देवाए बहु, तो फिर अपने लग से हमका 500-600 दियो तो कह लियो बाद में काट लियो। हाँ हमारी तनखा में क्या और का? या तो फिर इतनी पुलिस खड़ी कोई से हमका दवा दे तो के पीछे दे दियो। क्या चीज? जब हमारा तनखा है तब और कौन चीज? मैंने तनखा देने का ठेका ले रखा। क्या बे? काहे काम तुम्हारे करी तनखा का, गाँव वाले दे है का? गवर्नमेंट के नौकर है, सरकारी नौकर है। तो कहा यहाँ गवर्नमेंट नहीं कहा आवत है, सरकार कहा आवत की चलो रोड पर मनाई लड़का लहास रखो गई डकैती पर गए हुआ चलो मारपीट होई गा हुआ चलो रात दिन अलरी का लिल कही है तुम हमका दौड़ाए दौड़ाए फिरत हो। अरे तो मैं तुमसे सीनियर हूँ ना। हाँ तो हमसे सीनियर हो तो हमका तनख्वाह दियो ना, इनसे जब से तो हम नहीं मांगे थे। तुम साले ऐसे समय तनख्वाह के लिए बात करते हो, हमेशा तनख्वाह देने के लिए किसी के पास पैसे नहीं होते। तो तुम्हारे लगे नहीं अतनी पुलिस खड़ी कोई दवा दे तुम्हारा हौदा बड़ा है होता की? ठीक है ठीक है, जब देखो तब तुम्हारा इमरजेंसी में खर्चा लगा रहता है साला बेवकूफ कहीं का। पर तो तनख्वाह बटी थी ना, इन लोगों से बात करो, इनके पास तो ले लो, बाद में तुम इन्हें वापस कर देना। वापस नहीं करो लईमार समझो, तुम साले महा लईमार हो साला चिरकुट कहीं का। हड़काई दे तुम्हारा माउथ हमारे हाथ है, बाल भिंड ले ले हो, हम लोग खुद टका टका पर गाड़ मर रहे थे। यो काम कब से करे लग आए? काल दिल ठोल लड़का गुच्ची खेलत रहे, उनका थपरिया के हम कहा हम हूँ चौकीदार हुए, थपरिया के 2 रुपया पाया रहा,
और जो उन्हें रास्ता पर जाए थे होटल वाले के समोसा खाए रास्ता नहीं जाए थे बड़ा नहीं करत हो और करहीन वाले का हो चौकीदार बात यह कि हम सुने तुम परसों तनखा पाए हो हाँ सही है और पाए हो तो हम कह दे दिया तो साहेब से पीछे दबा दिया पीछे दबा दिया साहेब से तनखा तो मिली रहे हवलदार साहब बात तो आपकी सही है लेकिन हमारे यहाँ जो लौंडवा के मेहरुआ पैदा हो गए ना परसों हाँ परसों में पैसा पहन परसों में लौंडे के मेहरुआ पैदा हो गया तो समुला पैसा हुआ सौरी संगम भिजवा दे लौंडवा मेहरुआ पैदा हाँ कि मेहरुआ के लौंडा पैदा हुआ हाँ यह बात है लौंडवा के मेहरुआ पैदा है आउट 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 चलिए जितने सब सार से दिन मिल गए हमका मुसरा जी क्या बात है भैया हम सुने तुम परसों तनखा पालो हमका दे दियो तो के साहेब से पीछे दबा दिया तुमने ठीक सुना था लेकिन जो मैं तनखा पाता हूँ खर्च हो गए इसलिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है एक रुपया दे भैया बहु नहीं करा दे एक पैसा हमें पास नहीं है चलो फिर घुसो कहाँ को कमरा थाने में थाने के बाहर कमरा कहाँ पे चलिए ये पहले अनुसार बहुनी नसीड करे बैठे कुमारी अनीता जी क्या बात सर लाओ रितिप दियो क्या क्या चीज बेल्ट बंदूक वर्दी वर्दी दे दे बनंगी खड़ी रहा क्या वर्दी मांग रहे हैं तुमसे क्या मांग रहे हो अधरी जोर हड़का दिए आराम से नहीं बोल सका था हम सुने तुमसे कि तुम परसों तनखा पाए हम का दे दियो तो के तुमका हम समझ ले अब क्या चीज हम भाई तुमका दे दिया और कौन चीज सर तनखा तो मिली थी मगर वो खर्च हो गई एक रुपया नहीं सर न हुई है भाई पहले जब सार बहुनी नसीड कही धीरे समझानी तो धक्के हुई है तो ना दिया चलो घुसो कहाँ को तुमसे बेकार मांग रही तुम पहले तो जाने रहा गांड छोड़ बर्तन में ढक्कन नहीं है क्या चलो घुसो कहाँ को कमरा तो इसने बोलते हो जी हम तो सही में आन के पूरी लगा लगा दिया आउट आउट सही बताई से रहा हूँ वारे साहेब क्या हुआ बाबा का तुम जौने मन से बता दे तनखा पाई नहीं ले लियो ये पंचे खुद ही टका टका गाड़ी बना थमका कहता बिल्कुल सिपाही अब एक रुपया कोई लगे नहीं निकला लेडीज सिपाही है उससे इस तरीके से बात की जाती है इस तरीके से बात करोगे ना उसके पास पैसे होंगे फिर भी तुझे देखी नहीं दिए जाबर मूड ना खराब वैसे जितनी चिंता तुम्हें तनख्वाह खाने के लिए होती है ना जी वो तो हिसाब से तले तुम कभी ड्यूटी नहीं करते तुम कब ठीक से हमसे करवावत हो क्या बे ड्यूटी एक दही कह दिया अब जिंदगी भी याद करियो क्या चीज ड्यूटी ड्यूटी करोगे जी तुम्हारे बारे में तेरे डिपार्टमेंट को मालूम है जी जिस हल्के में तुम्हारी ड्यूटी लगाई जाती है जी रास्ते में जब तक कम्बल भी थके सो जाते तो कीका मार डाली जाए कहाँ मर जाए जाए तुम बताओ वहाँ चोरी हो जाए जी डकैती हो जाए जी या फिर किसी का तंत्र हो जाए जी तुम तो ताले कोई मतलब नहीं रहता है जी सलाह बेवकूफ कहीं कहा जी तुमने तो पेपर पढ़ा है जी डाकू तो लैंड जागीरा जी डाकू कालिया जी डाकू भैरव सिंह जी ऐसे अनेक डाकू हैं जी इस इलाके में ताले तहलका मचा रखे जी और मंत्री महोदय ने जी 70 करोड़ भेजा है जी इलाहाबाद बैंक भेजने के लिए जी पर थाने में कोई सिपाही नहीं दिखाई देता है जी जिसके कंधे पर जिम्मेदारी सौंपी जाए जी ये क्या है जी तुम्हें कोई बीमारी है क्या जी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ जी अरे मंत्री महोदय का आदेश है जी 70 करोड़ का मामला है जी जरा भी गड़बड़ हो गया ना जी तो किसी के बदन पे वर्दी नहीं दिखाई देगी जी जवाब नहीं देते बनेगा जी फिर वही बात जी गधे हो क्या जी कैसा सिपाही है तू जी मेरी हर बात का एक ही उत्तर है जी हर बात में जी जी हर बात में जी जी साले जी का ठेका लेके पैदा हो क्या तुम तो तुम बताओ साहब जो तुम हमसे बड़े तुम्हारा हौदा बड़ा है वो होता कि हाँ तुम्हारे 4 पिल्ले लाख हमारे 1 लाख है जब तुम हमसे बड़े हो तो तुमका हम साहब जी जी ने कही तो कहा तुमका बहनी महतारी करिएगा कहा कही तुमका तुम बताओ कहा कही तुम साले जयपुर थाने का नंबर लगाओ इंस्पेक्टर राजस्व का आदेश दो उसके बाद में साले तुमसे बात करता हूँ
अंधेव क्या का हुई का भवानी तुम्हारे हमारा पैर तोड़ दिया तो पैर लेके काहे आई हो का कह रहती खुर लो खुर ये खुर क्या है पैर पड़वा का खुर भाईसिन का खुर लो पैर बोलते हैं हां हम पैरे फाइकन है पैर बोलते हैं पैरे फाइकन पैर बीन फुट 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 मोगिल का होएगा जब देखो थाने मोबाइल लेके भाग जा था कौन दिन साहेब से कह के साहेब की गांड पर 20 लठ लगवाई भाई राइट टाइम हो गई हो नंबर नहीं बताइन कहाँ मिला दे घर भरे में दबाई भाई कहूँ तो जेब करी और का रात में 9-10 बजे खाना खा रहा जाइए अम्मो खोस लियो 10 नंबर डायल करो मनाई बोले रोंग नंबर बाकी सब ठीक है निन्यानबे 84 2 4 4 5 ये कौन सा नंबर है बे इंडिया का सरकार के यहाँ ये तुम कब चालू हो गए हाँ सब बनी है कौन सा नंबर बताया था 99 84 2 4 4 5 साले का तो नंबर होता है क्या बता रहा तू 10 अंक के तो नंबर होता है तो 10 नंबर गिनो बोलो 99 84 चार हो गए 2 4 4 5 ये चमार पासी कौन है रे सजीवन सुनील चार पासी ये कौन है राकेश अमरेश कौशल सरवन पासी तो ये नंबर तुम ट्राई करते हो ठीक है लगाओ ये नंबर इनके चदौ समझन मनाया नंबर है बताई 10 नंबर मिलाए जाते जो नंबर वो चला गाओ हम कह 62 दबाए दे अब 9994599997908 ओके हेलो जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं हाँ। कृपया नंबर गलत है नंबर जांच लें उसके बाद दोबारा कॉल करें धन्यवाद धन्यवाद का बताई नंबर जांच लियो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 चलिए 12 नंबर कहाँ से आएंगे चलो तुम जाओ 99 65 62 62 छुआ छुआ हटा लियो हलो हलो टुन्नो टुन्नो ओके हेलो यात्रीगण कृपया ध्यान दें हाँ। गाड़ी नंबर 133 हाँ। पीलीभीत पैसेंजर अच्छा। अपने निर्धारित समय हाँ। दोपहर के 12:30 पर हाँ। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से अच्छा। रवाना होगी शुक्रिया धन्यवाद अल्लाह नंबर हम बताए दे साहेब लगे मिला को बता रेलवे स्टेशन मिलेगा चलो तुम हूँ जाओ 95 19 98 40 72 ओके हेलो कृपया हिंदी में गाना सुनने के लिए हाँ एक दबाए एक दबाई एक दबावा बालों के नीचे चोटी चोटी के नीचे चोटी बालों के नीचे चोटी चोटी के नीचे चोटी चोटी के नीचे है परांदा परांदे नीचे दिल लग जा चोटी के नीचे है परांदा परांदे नीचे दिल लग जा क्या हो रहा है तुम्हें तो कहे नंबर मिलाओ नंबर मिला दिन बताई एक दबाओ हम कहीं स्पोर्ट नंबर मांगा चला एक दबाओ तो से रेडियो बजेला और तुम तरह डांस करने लगे ये थाना है तुमने जीरो लगाया था जीरो तो नहीं लगा जीरो लगा के तुम नंबर ट्राई करो जीरो लगाओ परी जी हाँ पहले ना बताई है जीरो लगाओ 95 19 98 40 72 जीरो ओके हेलो रउआ भोजपुरी गाना सुने खातिर हाँ रउआ दो दबाई दो दबाई दो दबावा बुलेट पे जीजा अरे ले चल घुमावे बुलेट पे
पीछे नंबर ट्राई करने से पहले जीरो लगाया जाता है या नंबर लगाने के बाद तुम जीरो लगाओगे तो एक अंक गिनती नहीं बढ़ जाएगी। जीरो पहले लगाई, सप्ताह पहले जीरो लगा के तब नंबर ट्राई किया जाता है। कैसे बेवकूफ सिपाही से पाला पड़ गया है। जीरो जीरो पंचानबे उन्नीस अट्ठानबे चालीस बहत्तर ओके। हेलो जी सर, नमस्ते सर। हाँ सर, जुग्गीलाल हडेला थाने बोल रहे हैं साहब। ओ बड़े साहब, डीआईजी साहब आपको बुला रहे, कोई खास काम है बहुत जरूरी, जल्दी आओ। धरी थे धरने धरी धरी थे सर, चले बोलो नहीं करण सर। यार क्यों बुल माया के मुझे और ये मेरे सर, क्यों बुल माया के मुझे यार ये मेरे सरकार, यार खो को बजारे यार के यार अजय सिंह तैयार। अजय सिंह कहिए सर, हमने तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया है ना, हम तुम्हें जरूर बताएंगे। काम ना यार मैं कर सका, जब सूरत खाने रखी